Saad? जी अस्सलाम वालेकुम अहसन। भाई साहब, तुम्हारे सिग्नल्स वीक है या मेरे सिग्नल्स वीक है? मुझे कुछ रुक रुक के आ रहा है नजर। और मुझे भी आप काफी ब्लर दिख रहे हैं, पता नहीं अब किसके सिग्नल वीक है। सिग्नल्स आई कैन सी दे लाइक आई एम कनेक्टेड टू माय वाईफाई प्रॉपरली एंड आई थिंक अब सही है। आई थिंक इट्स बेटर, इज इट? I can hear you, but I can't see you very well. It's a little too blurred, though. Yeah. Let's try this again. Yeah. So Essence is going to join us again. Send me the request. I hope it's better. Yeah, it's much, much better. Much better. Better? Hi. Hi, is it better क्या now? हाल है? How are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक ठाक, नॉट टू बैड। गुड गुड गुड। या आप बताएं ऐसे आजकल क्या कर रहे हैं आप क्वारंटीन में लॉकडाउन में कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन कैसे यार? मुझे लग रहा था कि लॉकडाउन जो होगा ना वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू आर ब्लेस्ड टू हैव योर फैमिली अराउंड यू। अगर आप ब्लेस्ड हैं कि आपके आसपास आपके अपने लोग हैं, तो फिर थोड़ा सा आसान होता है। पूरा दिन उनके साथ गुजर जाता है एंड यू नो यू ट्राई एंड कीप योरसेल्फ अ लिटिल बिजी। और बिकॉज़ you feel a little frustrated. And all that, yeah. बिल्कुल ऐसा, और ये अब ऐसा एक टाइम है हमारे पास जिसको आई थिंक वी कैन चेरिश इट एज वेल, कि ये टाइम बिल्कुल आप रिफ्लेक्ट करें हर चीज़ पे, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, बिकॉज यूजुअली हमारी लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड हैं कि मुझे उतना आवाज टाइम नहीं मिलता। नहीं आ रही आप। नहीं आ रही मुझे, आप ब्लर हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। अब आ गई। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि ये टाइम भी यू नो इट कैन बी लाइक चेरिश्ड एज वेल इन अ वे, कि वी गेट टाइम टू स्पेंड विद आवर फैमिली एज वेल नाउ, और हमारे अपने लिए भी बहुत टाइम है। What's happening to your hair? मेरे क्या बालों, क्या हो गया? कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जाके भी उड़ रहे हैं मेरे हवा बाल में। वो आज किसी मैंने पंखे के आगे बैठे काफी हो? काफी टाइम आर बाद हुए यू तो बहुत सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मिस। दैट ब्लोअर, वो जो
फिल्मों में नहीं है, ड्रामों में फिल्मों में ब्लोअर यूज होता है कि जब किसी को देख के बाल उड़ने लग पड़ते हैं, और वो क्योंकि ब्लोअर के आगे बैठे हुए हो। मैंने पंखा ऑन किया नहीं, वो बाल मैंने काफी दिन बाद वॉश किए, आज तो उनको पता नहीं चल रहा कहाँ जाए। ओके ओके हाँ अच्छा, तो क्या क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये टाइम भी मतलब ऐसा है कि यू कैन ऑल्सो चेरिश इट एज वेल नाउ, कि अपनी फैमिलीज के साथ आप टाइम स्पेंड करें ज्यादा से ज्यादा। रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज जा रहे थे, और अगर कुछ लोगों के पास फरागत का टाइम मिलता भी था, दे फ्री फॉर लिटिल व्हाइल, तो दे डिड नॉट गिव टाइम टू देमसेल्व्स एंड गिव टाइम टू पीपल हु आर अटैच्ड टू देम, यू नो लाइक इट कुड बी योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस, एनीबडी क्लोज टू यू हु माइट बी वांटिंग सम अटेंशन फ्रॉम यू, बट ऑब्वियसली ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है इसमें मच in such less time, so you're just like in a race, it's like a rat race. Aur kabhi aapko agar koi farig hota bhi tha to people are busy on mobiles and their social media, their Instagram, their Twitters, Facebooks, and then you know this WhatsApps, so ab jo hai na ekdam se ek wo aata hai na silence aati hai life mein, to wo thodi der ke liye badi important hai hamari. Maybe the pollution levels have dropped down, animals jo hain wo zyada khush ho gaye hain, hum log thoda sa we are closer to God as well now, because when you when there's some kind of worrying aur pareshani aapki zindagi mein kuch aati hai na, to obviously you get close to your God as well, so I feel, and then you get close to your loved one as well, because unki values wo kehti hai ki yaar agar ye sab kuch nahi hota तो हम लोग कितने अनफॉर्चुनेट होते, सो आई थिंक ये रिफ्लेक्ट करने का टाइम है, एंड वी शुड यूटिलाइज इट द मोस्ट बाय मेडिटेशन, प्रेयर, दुआ, और जिस तरह भी आपको थोड़ा सुकून मिले. हाँ हाँ, बट ये भी एक और इशू भी है कि जो बहुत से लोग आई फीलिंग वेरी वेरी बैड फॉर पीपल because thinking that you have less money for tomorrow also creates anxiety and depression, so it's like a mixed feeling, but I hope ke we just hope ke jaldi se ye jo ek testing times hai ye jaldi guzar jaye, that's what I hope for. Right, bilkul, inshallah, aur I think ye time pass hui jana chahiye, and we should pray for this ke jald se jald isko hum overcome kar le. मुझे एक और आपसे एक चीज पूछनी है कि मुझे बताएं कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन का क्वारंटीन का इसका अकॉर्डिंग टू यू किस तरह से इम्पैक्ट आएगा ऑन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बिकॉज अभी काम तो बिल्कुल शूट्स वगैरह तो शायद नहीं हो रहे थे. हाँ, शूट्स तो बिल्कुल नहीं हो रहे, बिकॉज हम सब लोग लॉकडाउन को फॉलो भी कर रहे हैं और करना चाहिए भी, एंड वी ऑल इफ यू लुक
सकता, ड्रामे का शूट नहीं हो सकता फिलहाल. सो उसके लिए वी ऑल आर सैक्रिफाइसिंग. एक डेढ़ महीना हम सबको थोड़ा वेट करना है, फिर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमें अपना काम शुरू करना होगा. आई थिंक सफर तो ये अगेन आई वुड से कि मैं आई एम अ वेरी यू नो ऑप्टिमिस्टिक सोच होती है. हम लोग सब वर्चुअल उसकी तरफ जाने लगे हैं ताकि बस लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन बनना रहे और एक नए हम लोग चैनल्स डिस्कवर करें अपने काम के लिए. और तो आई थिंक अभी अब वर्चुअल की तरफ भी लोग ऑलमोस्ट आ ही गए. आप देखें तो काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो घर से ही काम कर रहे हैं लोग. हम नहीं कर सकते एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमारी एक्टिंग एक्टिंग का तो हमारा acting can't be done from home. We have to you know be together to create something. Acha Ahsan, aapne abhi bataya ki you're shooting for a film, a movie, right? To mujhe bataye ki aap dramas bhi kar rahe hain saath saath and you're also doing movies as well. So how do you change your acting up? बहुत सारे एक्टर्स भी मूवी और ड्रामा दोनों करते हैं. सो यू हाउ डू यू शफल बिटवीन द टू ऑफ टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो एक्टिंग तो बस कैरेक्टर के हिसाब से करता हूँ मैं, चाहे वो थिएटर हो, टेलीविजन हो या